नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दानेदार कलाकंद। कलाकंद की मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसे केवल दूध और चीनी से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी डाल लेने से इसमें एक भाप की लेयर बन जाती है जिससे कि दूध नहीं जलता है। अब हम इसके अंदर 4 पैकेट दूध डालेंगे। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है। दूध को हम उबाल आने तक पका लेंगे। जब दूध के अंदर उबाल आ जाए तब हम कड़छी की सहायता से हम बॉटम से दूध को चलाएंगे ताकि बॉटम में दूध ना जल जाए। 5 मिनट बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक कटोरी चीनी। कलाकंद 2 कलर का बनता है, एक ब्राउन और एक वाइट। यदि आपको वाइट पसंद है तो आपको चीनी दूध में पहले डालनी पड़ेगी, और यदि आपको ब्राउन पसंद है तो चीनी जब पानी रिड्यूस हो जाएगा दूध का तब डालना चाहिए। दानेदार कलाकंद बनाने के लिए कई लोग नींबू, सिरका या साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें साइट्रिक एसिड डालूंगी। साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जितने लीटर दूध होता है उस हिसाब से उतनी चुटकी का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है तो इसके लिए 2 चुटकी साइट्रिक एसिड डालेंगे। उबलते हुए दूध में 1 चुटकी साइट्रिक एसिड डालेंगे और इसे चलाएंगे। चलाते हुए देखेंगे कि हमारा दूध फटना स्टार्ट हो चुका है। हम एक ही साथ नहीं डालेंगे, इसे धीरे धीरे डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम फिर से 1 चुटकी साइट्रिक एसिड डालेंगे और देखेंगे कि अब हमारा जो दूध है वो काफ़ी दानेदार हो चुका है। हम इसे यूं ही चलाते हुए हम दूध को गाढ़ा होने तक पका लेंगे, और कढ़ाई में जो किनारे किनारे मलाई जम जाती है उसको हम स्पैचुला से निकाल कर दूध में मिक्स करते जाएंगे। कलाकंद बनाने के लिए हमेशा हमें भारी तले के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दूध इसके अंदर जले नहीं। और हमने दूध के अंदर चीनी पहले इसीलिए डाली है क्योंकि चीनी डालने से दूध का टेम्परेचर हाई रहता है और पानी जल्दी ड्राई होता है। 2 लीटर दूध से कलाकंद बनाने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है। अब इस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर फ्लेवर लाने के लिए डालेंगे इलायची पाउडर। इसके लिए मैंने 10-12 हरी इलायची ली है, उसके दाने मैंने निकाल लिए हैं और दाने निकाल कर उसका बारीक पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाकर हम इसको कलाकंद के अंदर मिक्स कर देंगे। अब हम इलायची पाउडर डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए और इसे पकाएंगे जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि कलाकंद ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। यदि ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा और मॉइस्चर रह जाने से बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी। जब कलाकंद का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी डालने से कलाकंद अंदर से मॉइस्ट रहता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। और यदि बनाकर हम इसे 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करते हैं फ्रिज में तब भी ये अंदर से काफ़ी मॉइस्ट रहता है। हमारा दानेदार कलाकंद बिल्कुल बनकर तैयार है। यदि आपको ब्राउन कलर का कलाकंद पसंद है तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाइए, या बनाते समय चीनी सबसे लास्ट में डालिए। लास्ट में चीनी डालने से चीनी का कलर बहुत ही सुंदर आता है। अब हम कलाकंद को कढ़ाई में से सांचे में ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आपके पास मोल्ड है तो आप उसमें सेट कर लीजिए, या किसी बर्तन में जिसमें अच्छी सी शेप आ जाए आप उसमें सेट कर लीजिए। मैंने एक टिफ़िन में 1 चम्मच घी लिया है और इसको मैंने चारों तरफ से ग्रीस कर दिया है। अब इस बर्तन के अंदर हम कलाकंद को डालेंगे।
और प्रेस करते हुए हम इसे शेप देंगे। बर्तन में अच्छे से सेट हो जाने के बाद हम इसको कवर करेंगे और एक कपड़े से इसे ढककर 8 से 10 घंटे के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए तब हम इसकी शेप कट कर लेंगे। पहले हम इसकी किनारी को अलग करेंगे और फिर इसे हम शेप में कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में पलट लेंगे। आप या तो मोल्ड में ही शेप कट कर सकते हैं या बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद कट कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा सहूलियत हो। हमारी होममेड टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।